हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग केयर सेंटर पे। मैं हूं तौसीफ खान। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटीरियर पर्पस के लिए फर्नीचर सेटअप कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मेरे पास एक स्टैंडर्ड रेसिडेंटल प्लान है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बेडरूम्स है, 1, 2, 3 बेडरूम्स है और लिविंग हॉल है और डाइनिंग हॉल है और यहाँ पे किचन है और बालकनी है और उसके साथ साथ जो है अटैच टॉयलेट है और ड्रेसिंग रूम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम सेटअप करेंगे वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है और वेस्ट इस तरफ है, ईस्ट राइट साइड पे है। तो ईस्ट में आपका किचन आ गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बेडरूम देखेंगे, बेडरूम सेटअप करेंगे किस तरह से फर्नीचर सेटअप करना है। सबसे पहले आपको कंसीडर करना है बेडरूम का साइज कितना है, साइज के हिसाब से आप क्या क्या उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे 14x12 फीट का बेडरूम है, तो यहाँ पे आप बेड एक दे सकते हो और टीवी यूनिट दे सकते हो और यहाँ पे वार्डरूम भी देख सकते हो, अगर देना है तो दे सकते हो, या तो फिर यहाँ पे स्टडी टेबल दे सकते हो या लो हाइट सीटिंग भी दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं हूँ, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ड्रेसिंग पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे वार्डरोब दे दिया हूँ और यहाँ पे मिरर दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेड का साइज कितना होगा। ठीक है, बेड का साइज आप 6x7 फीट भी रख सकते हो या 6x8 और 9 इंचेस भी रख सकते हो या 10 इंचेस भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, डायमेंशन चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बेड का साइज है यहाँ पे 6 फीट, ठीक है, और लेंथ यहाँ पे 6 फीट 9 इंचेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, अगर आपको फर्नीचर कहाँ से लेना है तो आप यहाँ पे गूगल पे आप जा सकते हो, आप यहाँ पे गूगल पे टाइप कर सकते हो फर्नीचर कैटलॉग। ठीक है, फर्नीचर कैटलॉग या आपको जो चाहिए आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बेड चाहिए बेड एंटर करिए या चेयर चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप एंटर करिए गूगल पे और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहां से बहुत सारा फर्नीचर है, आप यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां पे फ्री है और कुछ पेड वाला भी है, तो आपको पेड जरूरत नहीं है, फ्री वाला जो भी है आप उसको डाउनलोड करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एडिट कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया हूँ प्लान को और यहाँ पे सबसे पहले आपको बेड जो आएगा साउथ फेस पे आएगा। ठीक है दोस्तों, साउथ यह है नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ की तरफ है, ये रूम में भी सेम साउथ की तरफ और यहाँ पे हम नहीं दे सकते क्योंकि थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, तो आप वेस्ट की तरफ भी आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ एंटर कॉपी करके यहाँ पे मिड पॉइंट पकड़कर और इसको यहाँ पे मिड पॉइंट पे लगा सकता हूँ, मिड पॉइंट पे लगा ले सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे बेड आने के बाद में, बेड लगाने के बाद में आप यहाँ पे टीवी यूनिट आप देख सकते हो। ठीक है, तो टीवी यूनिट फ्रंट पे रहेगा आपका, तो टीवी यूनिट जो है आप 1 फीट दे सकते हो, 1 फीट आपका विड्थ रहेगा और यहाँ पे लेंथ के हिसाब से आपका जगह कितना है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लॉक बना के रखा हूँ। ठीक है, सी ओ एंटर कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये विंडो का पॉइंट पकड़कर यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो इसका विड्थ कितना है, 1 फीट का है। ठीक है, और इसका लेंथ 7 फीट है, 7 फीट 8 फीट 6 फीट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रख सकते हो टीवी यूनिट। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रेसिंग, ड्रेसिंग पे आपको वार्डरोब्स लगाना है। ठीक है, वार्डरोब्स सी ओ एंटर कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉर्नर पॉइंट पकड़कर यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे आप दे सकते हो मिरर दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिरर भी दिया हूँ,
सी ओ एंटर कॉपी कर लेता हूं दोनों को, ये पॉइंट पकड़कर यहां पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप चेयर भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टॉयलेट्स। टॉयलेट जो है नॉर्थ फेसिंग पे, नॉर्थ पे आपको रखना है, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहां पे मैं कॉपी कर लेता हूं दोनों को एक साथ, और यहां पे ओवरहेड शावर है, तो यहां पे एक ग्लास पार्टीशन है, अगर आपको चाहिए तो आप ग्लास पार्टीशन दे सकते हो, अदरवाइज आप कॉर्नर में भी दे सकते हो ओवरहेड शावर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको पार्टीशन बना लेना है, बनाने के बाद में आपको ओवरहेड शावर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, सी ओ एंटर कॉपी, ये पॉइंट पकड़कर यहां पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों फर्नीचर सेटअप करना। सबसे पहले आपको माइंड सेटअप करना है, सबसे पहले आपको सोचना है बेडरूम का साइज क्या है, उसमें क्या क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला बेड, उसके बाद में टीवी यूनिट, उसके बाद में वार्डरोब्स, ठीक है। अगर आपके पास जगह है तो आप सीटिंग एरिया दे सकते हो, लो हाइट सीटिंग, और या तो फिर स्टडी टेबल दे सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप सेटअप करना है फर्नीचर। उसके बाद हम देखते हैं लिविंग एंड डाइनिंग हॉल। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे लिविंग हॉल थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जेंट्स सीटिंग दे देता हूँ और यहाँ पे लेडीज सीटिंग, और बीच में यहाँ पे पार्टीशन में दे दिया हूँ ताकि यहाँ पे जेंट्स बैठेंगे या और यहाँ पे लेडीज बैठेंगे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे बीच में पार्टीशन दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टीवी यूनिट आएगा, ठीक है। तो यहां से अब मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा एक साथ, तो ये कॉर्नर पकड़ लेता हूं, ये कॉर्नर पकड़कर ये कॉर्नर पे लगा सकता हूं, ठीक है। इस तरह से आप जो है फर्नीचर सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल पे यहाँ पे आप टीवी यूनिट दे सकते हो, और यहाँ पे स्विंग है, स्विंग भी दे सकते हो, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ एंटर कॉपी, ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ और यहाँ से ये पॉइंट पर लगा लेता हूँ, ठीक है। स्विंग अगर आपको देना है दे सकते हो, तो यहाँ पे मुझे जरूरत था तो मैं यहाँ पे दिया हूं, तो आप यहां से इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मंदिर है, छोटा पूजा रूम है, और यहाँ पे विंडोज है। तो उसके बाद आता है ये बेडरूम साइज, ठीक है, ये बेडरूम और ये बेडरूम और ड्रेसिंग रूम, ठीक है। यहाँ पे अभी देख सकते हो आप, ये थोड़ा बड़ा बेडरूम है, यहाँ पे वार्डरोब के साथ साथ स्टडी टेबल दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको स्टडी टेबल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे लो हाइट सीटिंग भी दे सकते हो, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिया हूँ लो हाइट सीटिंग यहाँ पे ए बेडरूम पे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, ये सेम दोनों साइज है। तो यहाँ पे ड्रेसिंग आ गया और यहाँ पे लो हाइट सीटिंग, ठीक है, और यहाँ पे टीवी यूनिट और बेडरूम, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक एक करके, ये कॉर्नर पकड़ता हूं और यहां पे मैं लगा लेता हूं, ठीक है। और ड्रेसिंग का सेम यहां पे कॉपी कर लेता हूं मैं, टॉयलेट का भी यहां पे कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे भी देखो पार्टीशन में ग्लास का पार्टीशन दिया हूं, ठीक है। यहां पे ये कॉर्नर पकड़कर यहां पे आप लगा सकते हो, देखो कितना सिंपल है सेटअप करना। थोड़ा आपको पहले सोचना होगा कहाँ कहाँ आप दे सकते हो, क्या चीज क्या क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एल टाइप देना है वार्डरोब तो एल टाइप भी आप दे सकते हो, यहाँ पे भी आप मिरर लगा सकते हो, या वार्डरोब के साथ साथ आप मिरर भी दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे ये भी कॉपी कर लेता हूँ एक साथ। सीओ एंटर, ई कॉर्नर को कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ई कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हो गया देखिए। और उसके बाद आता है यहाँ पे किचन्स और यहाँ पे यूटिलिटीज। तो किचन के लिए आप देखिए ईस्ट की तरफ जो है ना चूल्हा रहेगा आपका, हब रहेगा। तो ये डॉटेड लाइन में यहाँ पे बताऊं ताकि ऊपर का जो कैबिनेट हाइट है उसका डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा आपका 2 फीट का रहेगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो है आपका 1 फीट 4 इंच रहेगा, ठीक है। 1 फीट 4 इंच या 1 फीट 2 इंच आप ले सकते हो, स्टैंडर्ड साइज है 14 इंच बाय या 16 इंच ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सिंक आ गया और यहाँ पे हब आ गया और यहाँ पे लॉन्ग यूनिट दे सकते हो, ठीक है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है, आपका जगह कितना है जगह के हिसाब से आप दे सकते हो। और फ्रीज है यहाँ पे और प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटीज, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक एक करके और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। सीओ एंटर कॉपी, ये कॉर्नर पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं दिया हूँ, यहाँ पे मैं 2 फीट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑफसेट 2 फीट, इसको मैं जॉइंट कर लेता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हो ऑफसेट 1 फीट 4 इंच। यहाँ पे प्लेटफॉर्म हाइट है, ऊपर का कैबिनेट हाइट, तो मैं यहाँ पे मैच कर लेता हूँ। एम एंटर, मैच प्रॉपर्टीज, इस तरह से आप दे सकते हो। यहाँ पे भी आप दे सकते हो प्लेटफॉर्म, 2 फीट का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैच कर लेता। यहाँ पे फ्रीज तक आता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लेकर एंड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिलेट कर देता हूँ, एंटर फिलेट, तो इसको यहाँ पे मैच कर लेता हूँ ये कलर पे, ये कलर पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लॉन्ग यूनिट दे सकते हो, आप 2 फीट का या 2-3 फीट का जो भी आपको चाहिए आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बालकनी में आप दे सकते हो, यहाँ पे ग्रीनरीज और जो भी है ट्रीज दे सकते हो, प्लांट दे सकते हो, और यहाँ पे एक चेयर और टेबल दे सकते हो, टी टेबल, ठीक है दोस्तों। कॉपी, ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ, तो दोस्तों कितना सिंपल है फर्नीचर सेटअप करना। ऐसी प्रैक्टिस करिए आप, कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।